राजस्थान से लेकर देश प्रदेश की हर बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने रिपोर्ट एक्सक्लूसिव न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको हर नई न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। राजस्थान में कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद ही खूबसूरत रहा। हम आपको जानकारी के लिए बता दें, राजस्थान में चल रहे उपचुनाव में तीन जगह राजस्थान में उपचुनाव चल रहे हैं और तीनों जगह ही कांग्रेस ने बाजी मार ली है। तो वहीं जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस ने बड़े भारी मतों के साथ तीनों सीटें विजयी कर ली है और बीजेपी की इस हार के बाद बीजेपी को कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कुछ किया जाए। लेकिन आज के इस जो अचानक आए उस तीनों सीटों पे जिस प्रकार का परिणाम आया, वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा जो है वो उभर कर आया है और सरकार को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों पर जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। तो इसी को लेकर हनुमानगढ़ से कुछ तस्वीरें सामने आ रही है। हनुमानगढ़ के जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने हनुमानगढ़ में लड्डू खिलाकर एक दूसरे को खुशियां मनाई गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही है। तो वहीं हनुमानगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई, पटाखे फोड़े गए। तो वहीं जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ के केसी बिश्नोई वहां पे है, उनसे हमारे संवाददाता की बात हुई तो उन्होंने भी इस खुशी को लेकर काफ़ी कांग्रेस की सराहना की और साथ ही कहा, ये जो है परिणाम जो है जनता ने साफ जाहिर कर दिया है, भी आगे जनता बदलाव लेकर आएगी और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की पार्टी बनने के आसार जो है वो नजर आ गए हैं। जानकारी के लिए बता दें, आज उपचुनाव में तीन सीटों पर उपचुनाव चल रहे थे, अजमेर, मांडलगढ़ और अलवर। तीनों ही सीटों पर कांग्रेस विजयी रही है, कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया है और इस जीत की तमाम जो है अलवर व अजमेर लोकसभा तथा मांडलगढ़ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर गुरुवार को टाउन स्थित एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के निवास स्थान पर एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष व लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप सियाग के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुँह मीठा करवाकर व पटाखे जलाकर खुशियाँ बनाई। इस अवसर पर एनएसयूआई के काफ़ी पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जो है खुशियां व्यक्त की। मांगलगढ़, अजमेर और अलवर के अंदर तीन जगह कांग्रेस प्रत्याशी जीते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज हनुमानगढ़ टाउन में एनएसयूआई ऑफिस अभिमन्यु पुनिया के नेतृत्व में अभिमन्यु पुनिया के ऑफिस में मिठाई खिलाकर और पटाखे जलाकर इस जीत का जश्न मनाया है। आगे भी आशा करते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। और इसी तरह इस अवसर पर संदीप सिंह ने कहा कि जिस तरह से इस उपचुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी से हर खेमा काफ़ी दुखी है। हमें पूरे भरोसे के साथ कहना पड़ रहा है कि अब की बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बड़े विश्वास के साथ कहा। और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में उस दौरान इस अवसर पर संदीप सियाग, छात्र नेता हरीश सियाग, रवि घोटिया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामस्वरूप बुल्डक, अरविंद पुनिया, बोर्ड सिंह भुल्लर, शहजाद खान, कविता खन्ना, विनोद डावर, शंकर सिंह आदि एनएसयूआई कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उन्होंने खुशियां व्यक्त की। और वही एनएसयूआई कार्यालय के बाहर पटाखे भी फोड़े गए। आज अजमेर, अलवर और मंडलगढ़ तीनों सीटों पर कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत की है और आज अभिमन्यु पुनिया जी के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पटाखे बजाकर और मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। आगे भी हमें उम्मीद है कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी और हनुमानगढ़ में भी कांग्रेस जीतेगी। धन्यवाद। राजस्थान है ऊटा माते बैठने घूमण रेगिस्तान है, तो आड़ो राजस्थान है, तो आड़ो राजस्थान है, गर्व करे जिन माते पूरो हिंदुस्तान है।